फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन गर्ल चैनल त्रिशा। और अगर आप ये चैनल में नए हैं तो मैं हूँ त्रिशा। हेयर फॉल होना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन जब आपकी हेयर फॉल होती है लेकिन रीग्रोथ नहीं होता, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। तो अगर आप ऐसा कुछ फेस कर रहे हो तो आपके लिए मेरी आज की वीडियो है। इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ एक कंप्लीट 15 डेज हेयर केयर चैलेंज, जिससे आपकी हेयर रीग्रोथ भी होगी, हेयर फॉल भी कम होगा और उसके साथ साथ हेयर ब्रेकेज भी कम्प्लीटली बंद हो जाएगी। तो चलो बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बिना इस 15 डेज में आपको क्या क्या करना है देख लेते हैं। टिप नंबर 1, हेयर ऑयलिंग। इस 15 डेज में आपको ऐसा कोई हेयर ऑयल यूज़ करना है जो हेयर ग्रोथ के लिए और हेयर फॉल को कम करने के लिए 100% इफेक्टिवली काम करता हो। तो ऐसा हेयर ऑयल आपको कहाँ से मिलेगा? आप खुद बना सकते हो। आपको बस अनियन जूस लेना है और उसमें ऐड करना है कैस्टर ऑयल और फिर थोड़ी सी कोकोनट ऑयल। आप इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए और वीक में मिनिमम 3 टाइम इसे अपने स्कैल्प पे अच्छे से अप्लाई कीजिए और मसाज कीजिए। मसाज करना भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये जो हेयर ऑयल है, इसे मैं 2 मंथ से यूज़ कर रही हूँ और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इवन मेरे पास बहुत सारे क्लिपिंग्स भी है कि इस ऑयल को मैं यूज़ कर रही हूँ, तो वो सारा सब कुछ मैं यहाँ पर इंक्लूड कर दूँगी। और इस ऑयल की बेनिफिट्स बहुत ही ऑसम है। आप सबको पता है कि अनियन कितना ज़्यादा अच्छा है हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए और साथ साथ हेयर रीग्रोथ करने के लिए, तो इसीलिए मैंने इसमें अनियन जूस ऐड किया है। लेकिन अगर आप कोई हैसल फ्री ऑप्शन चाहते हो और आपको अनियन जूस की जो स्मेल है वो अच्छी नहीं लगती है, तो आप यूज़ कर सकते हो ममाअर्थ की अनियन हेयर ऑयल। ये एक हैसल फ्री ऑप्शन है, अगर आप चाहे तो डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हैं। टिप नंबर 2, हेयर वॉश। ऑयलिंग करने के बाद आपको ऑयल को ज़्यादा से ज़्यादा ओवरनाइट ही छोड़ना है। आप कभी भी ऑयलिंग किया हुआ हेयर पे बाहर मत जाइए, आपको हेयर वॉश करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप हेयर ऑयलिंग किए हुए सिचुएशन पे बाहर जाएंगे तो बाहर की जो डर्ट एंड पोल्यूशन है वो आपके हेयर में आ जाएगी और उसके साथ साथ हमारे स्कैल्प में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होता है, तो ऑयल के साथ स्वेटिंग एक साथ मिलकर एक लेयर क्रिएट कर देता है कंप्लीट हेयर फॉलिकल्स के ऊपर, जिसके वजह से आपकी हेयर फॉल और भी ज़्यादा हो सकती है। तो इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है आपके हेयर वॉश पे। और अफकोर्स हेयर वॉश के लिए आपको कोई भी सल्फेट फ्री एंड नेस्टी केमिकल फ्री शैम्पू को ही यूज़ करना है। और हेयर वॉश करने के टाइम हमेशा ध्यान रखें कि आप बहुत सारा पानी से कंप्लीट शैम्पू को भी अच्छे से वॉश कर रहे हो। 3rd टिप है, नेचुरल हेयर कंडीशनर। शैम्पू करने के बाद हमेशा हमें कंडीशनर अप्लाई करना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि शैम्पू जो होता है वो हमारे स्कैल्प को क्लीन तो करता है, उसके साथ साथ हमारे हेयर में जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं उसे भी थोड़ी बहुत रिमूव कर देता है, जबकि वो सारे ऑयल्स एक्चुअल में ज़रूरी होता है। तो उसी के पर्पस हमें कंडीशनर को अप्लाई करना चाहिए। तो कंडीशनर अप्लाई करने के लिए आप चाहे तो कोई भी हर्बल एंड नेचुरल कंडीशनर यूज़ कर सकते हो। वो कौन सा यूज़ करना है मैं बताती हूँ। कंडीशनर बनाने के लिए आप थोड़ी सी गर्म पानी ले लो और उसे अच्छे से उबाल लो। इसके बाद आप इसमें ऐड करो करी लीव्स। अगर आपके पास करी लीव्स ना हो तो आप नीम लीव्स भी ऐड कर सकते हो। और करी लीव्स जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है हमारे हेयर के लिए। करी लीव्स में बीटा कैरोटीन होता है, उसके साथ साथ प्रोटीन होता है और एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, जो हमारे हेयर फॉल को भी कम करता है और उसके साथ साथ हेयर ग्रोथ को भी बूस्ट करता है। और उसके साथ साथ हमारे स्कैल्प में जो डेड स्किन सेल्स है उसे भी रिमूव करता है करी लीव्स। तो इस नेचुरल कंडीशनर को ज़रूर आप ट्राई करके देखें इस 15 डेज में, ये ज़रूर आपको अच्छा लगेगा। 4th टिप्स है, हेयर ग्रोथ सीरम। इस 15 डेज के लिए मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी एक अमेजिंग ओवरनाइट हेयर ग्रोथ सीरम, जिसे आपको वॉश करने की ज़रूरत नहीं है और जिसे बनाना भी बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो बताती हूँ कि इसे बनाना कैसे है। इसे बनाने के लिए आप थोड़ी सी गर्म पानी ले लीजिए और उसमें मेथी मतलब फेनिग्रिक सीड्स को ऐड कीजिए और उसके साथ साथ कुछ एलोवेरा लीव्स को भी कट करके ऐड कर दीजिए और अच्छे से इसे थोड़ी देर के लिए बॉइल होने दीजिए। फिर ठंडा होने के बाद इसे आप छान लीजिए और आप चाहे तो इसे एक स्प्रे बॉटल में डाल के रख सकते हो। और उसके साथ साथ आपको इसे अप्लाई करना है अपने स्कैल्प में, और स्कैल्प में बहुत अच्छे से अप्लाई करने के बाद आप थोड़ी सी मसाज भी कर सकते हो इसे। और इसके बाद आपको इसे वॉश करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही आप सो सकते हो। और इस कंप्लीट 15 डेज में हर रोज़ रात को ही आप इसे कर सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किया गया है ये सारे इंग्रेडिएंट्स हेयर ग्रोथ के लिए और उसके साथ साथ हेयर फॉल को कम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। टिप नंबर 5, हेयर मास्क।
हेयर मास्क की जब भी बात आती है तब मेरे मन में यही आता है, कुछ ये लेना है वो लेना है, फिर मिक्स करना है, और अप्लाई करने के टाइम कुछ इधर गिरेगा कुछ उधर गिरेगा। तो अगर आपके मन में भी ऐसा कुछ आता है और आप इस कंप्लीट प्रोसेस को हैसल फ्री करना चाहते हो तो आप यूज़ कर सकते हो मामा अर्थ की अनियन हेयर मास्क। ऐसे तो ये मुझे पियर पैकेज में मिला था, तो मैंने ट्राई किया था और मुझे बहुत अच्छा लगा था, और मुझे लगता है इससे पहले भी मैंने एक वीडियो में इसके बारे में शेयर किया है, और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एक्चुअल में हेयर को कलर कराने के बाद जो मेरे साथ हुआ था वो है ये कि बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो गया था मेरा हेयर, और मुझे इवन हेयर कट भी करना पड़ा उसकी वजह से। और जब मैं सुबह उठती थी मुझे बस रोना आता था, और मुझे लगता था एक घंटा मुझे बस हेयर कोम करने में ही चला जाएगा, बट इस मास्क की वजह से वो प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हुई। सो रियली थैंक यू टू ममाअर्थ अनियन हेयर मास्क, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और इसे अप्लाई करना बहुत ही सिंपल है। आपको बस अपने छोटे छोटे हेयर सेक्शन को लेना है और उसके बाद उसे डैम्प करना है। मैं जनरली एक हेयर स्प्रे बॉटल में थोड़ी सी पानी ले लेती हूँ और अपने पूरे हेयर को डैम्प कर लेती हूँ, और उसके बाद थोड़ी थोड़ी मास्क लेके इन हेयर सेक्शन पर अप्लाई करती हूँ और जेंटली मसाज भी करती हूँ। और पूरे हेयर में इसे अप्लाई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10 to 15 minutes। उसके बाद ऐसे तो इस पैकेज में लिखा हुआ है कि आप 10 to 15 minutes इस मास्क को छोड़ो और उसके बाद वॉश करो, लेकिन मैं जनरली 1 hour के लिए इसे छोड़ देती हूँ और उसके बाद शैम्पू से वॉश करती हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंगली वर्क करता है मेरे हेयर के लिए। तो अगर आप मेरी तरह कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो कि बहुत ज़्यादा टैंगल्स होने की वजह से आपके बहुत ज़्यादा हेयर ब्रेकेज एंड हेयर फॉल हो रहा है, देन डेफिनेटली गिव दिस अ ट्राई, आपको ज़रूर पसंद आएगा। इस मास्क को अप्लाई करने के बाद आपको बस शैम्पू से अपने हेयर को वॉश करना है, आपको सल्फेट फ्री शैम्पू ही यूज़ करना है। आप चाहे तो ममाअर्थ की अनियन शैम्पू भी ट्राई कर सकते हो। मैं जनरली पानी लेती हूँ और उसमें शैम्पू को ऐड करती हूँ और अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, और उसके बाद इस शैम्पू से अपने हेयर को वॉश कर लेती हूँ। ये जो शैम्पू है इसे भी मैंने कुछ दिन पहले ही ट्राई किया है और ये भी काफ़ी अच्छा है, आप चाहे तो इसे भी ट्राई कर सकते हो। अल्टीमेटली ये अनियन शैम्पू है तो अनियन कितना ज़्यादा अच्छा है हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए सबको पता है, तो आप चाहे तो इसे भी एक बार ट्राई करके देख सकते हो। और इस 15 डेज में आपको बहुत ज़्यादा कुछ बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको बस 3 liter पानी पीना है जो मैं हमेशा बताती हूँ। और इस 15 डेज में आपको और 2 सिंपल से चीज़ फॉलो करना है, और मुझे पक्का यकीन है कि आप कर ही लोगे। वो है ये कि हर रोज़ मिनिमम 8 hours आप नींद लोगे, और उसके साथ साथ मिनिमम 3 liters पानी भी पियोगे हर रोज़। इसे ज़रूर फॉलो करके देखो, और उसके साथ साथ मैंने जो सारी चीज़ें आपको बताया है वो ज़रूर ट्राई करके देखो, आपको डेफिनेटली एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैंने आप सबके साथ ममाअर्थ की अनियन हेयर ऑयल, हेयर मास्क और शैम्पू के बारे में बताया है, और उसके साथ साथ इस रेंज में एक अनियन हेयर कंडीशनर भी है, तो आप चाहे तो इस कंप्लीट रेंज को एक बार ट्राई करके देख सकते हो। और इस कंप्लीट रेंज की जो बेस है वो है अनियन, और अनियन बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है आप सबको पता ही है, तो आप चाहे तो इन्हें ट्राई करके देख सकते हो। और ममाअर्थ के जो सारे प्रोडक्ट्स होते हैं वो नेचुरल होता है, तो आप इन्हें ट्राई करके देख सकते हो। आप इजीली इन्हें ऑनलाइन परचेस कर सकते हो, और ममाअर्थ की वेबसाइट से अगर आप इन्हें परचेस कर सकते हो तो ये वाली कोड यूज करने से आपको 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगी। तो अगर आप परचेस करने का सोच रहे हो तो इस कूपन कोड को जरूर यूज करें। होप ये वीडियो आप सबके लिए यूजफुल रहा होगा। तो अगर आपकी हेयर फॉल हो रही है तो इस 15 डेज हेयर केयर चैलेंज को जरूर लेके देखिए, और आपको कैसा रिजल्ट मिलता है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ साथ इन सारी चीज़ों में से अगर आप कुछ भी फॉलो कर रहे हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम में ज़रूर टैग करके बताएं, मुझे बहुत खुशी होगी जान के। और उसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब बटन को भी ज़रूर क्लिक करना, और उसके साथ साथ पास के बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करना। अभी के लिए बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।